ये जो सारे व्यूज़ आपने अपने स्क्रीन पे देखे हैं, ये धूप सागर वाटरफॉल के हैं जो गोवा टेरिटरी में आते हैं और यहाँ से गोवा की टेरिटरी ख़त्म होके कर्नाटका लग जाता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम यहाँ पर है। अगर आप कभी यहाँ विज़िट करना चाहें तो जिस स्पॉट पे आज मैं खड़ी हूँ, ये एक मेन स्पॉट है जहाँ आप अपनी प्राइवेट पर्सनल गाड़ी से आ सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से भी आ सकते हैं। पर यहाँ आने के बाद आपको वो जो ऑफिस दिख रहा है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा मेंटेन किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पॉट पे आपको जाके टिकट लेनी है, पर हेड समवेयर 500 प्लस लाइफ जैकेट, जो भी उसके एक्सपेंस होते हैं पूरी चार्जशीट आपको बोर्ड पे दिख जाएगी। बारीक से बारीक डिटेल का यहाँ ध्यान दिया जाता है, सफाई को लेके, सेफ्टी को लेके, सारी चीज़ इन्होंने वेल मैनेज की हुई है। पर यहाँ से आपको 10 किलोमीटर यहाँ पे जो बुलेरोस खड़ी हैं इससे जाना होता है। 10 किलोमीटर की दूरी आप जंगल में तय करते हैं और उसके बाद जब आप जंगल जो गाड़ी का स्पॉट होता है वहाँ रुकती हैं गाड़ियाँ, फिर आपको लगभग 10 से 15 मिनट की ट्रैकिंग करनी होती है। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है और यही वो ब्रिज है जो आप स्क्रीन पे अभी देखेंगे जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई। इतना सब वेल मैनेज है, पर मेरा मुद्दा ये है कि आखिर जब हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं उसके रिटर्न में हमको एक बिल मिलता है, आप पैसे देते हैं और साथ में उसका टैक्स भी भरते हैं और हर कंपनी को, हर दुकानदार को उसके एवज में आपको एक बिल देना होता है जिसमें सारे डिटेल लिए रहते हैं। मैंने प्राइवेट गाड़ी की थी जिसके मैंने लगभग 3500 रुपये पे किए, साथ में चेक पोस्ट पे 100 रुपये अलग से दिए और जो भी एक्सपेंस थे वहाँ पे सारे पे किए, पर मुझे 1 रुपये का भी इन्होंने बिल नहीं दिया। क्यों बिल क्यों नहीं देते? मतलब हम इतना पे कर रहे हैं तो बिल तो आप दोगे ना, बिल क्यों नहीं पे करते हम? सॉरी, हम अगर हम पैसे दे रहे हैं 3500 रुपीज़ पे करे तो हमें बिल नहीं मिला है। हाँ, जाके आई हूँ मैं। ड्राइवर पता नहीं, वो तो ड्रॉप करके चला गया। हमने क्योंकि चेक पोस्ट पे भी पूछा था तो बोलते बिल तो मिलना चाहिए। नहीं चाहिए नहीं होते, बिल तो आपको देना चाहिए ना। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, ज़ोर से बोलिए। तो प्रेसिडेंट से क्या लेना देना, बिल तो अपनी जगह है ना। अगर मैंने पैसे आपको दिए हैं तो आपको मुझे बिल देना चाहिए। ये क्यों छुप गए हैं ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब ज़रा आप ये सोचिए, मैं एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते मैंने बिल पे किया, मतलब पैसे दिए, पर उन्होंने वो जो एसोसिएशन जिस तरीके से यहाँ पे मोनोपोली चल रही है उन्होंने मुझे कोई बिल नहीं दिया। तो अब आप इसको समझिए और मुझे ये बताइए कि आखिर हम पैसे दे रहे हैं, हम टैक्स भी भर रहे हैं, पर ये एसोसिएशन इनके अकाउंट में पैसे जाता है पर सरकार तक वो पैसे नहीं पहुँचता है, तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन? आपके पास अगर कोई सल्यूशन है इस केस को आगे बढ़ाने का, कहीं रिपोर्ट करने का, तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मैं इस पर और आगे कार्रवाई कर सकूं, इंफॉर्मेशन निकाल सकूं और हर किसी को मैं जागरूक कर सकूं। जुड़े रहिए ज़िम्मेदार कौन से। टिल देन टेक केयर। श्रद्धा राय।